everyone, welcome to Magnetic Learning. So today in the series of Force and Laws of Motion, the topic is Newton's third law of motion. This is the third law of motion given by Newton. So let's start. The statement of Newton's third law is very common. I think it is a very commonly used scientific law, that is, every action there is equal and opposite reaction. So the statement is very simple ki har action ke liye सेम अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होता है. एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो सिंपली वी कैन से इफ इट इज अ बॉडी एंड इट इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन अनदर बॉडी, सो दिस इज एक्शन. द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी ऑल्सो रिसीव्ड बाय दिस बॉडी व्हिच इज कॉल्ड रिएक्शन. फॉर एवरी बॉडी फॉर एवरीथिंग देयर इज एक्शन एंड अ रिएक्शन. जस्ट इमेजिन आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द बोर्ड, सो नाउ माई हैंड इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बोर्ड, सो द बोर्ड इज गेटिंग द एक्शन and the board is also applying some force on my hand and that will be a reaction. So every action there is equal and opposite reaction. But the important thing that need to understand is action and reaction cannot be act on same body. Agar action board pe hua hai to reaction kabhi bhi board pe nahi hoga, wo kisi aur body pe hoga. Means action and reaction always acts in two different bodies. Jaise maan lo kisi ne tumko thappad mara, to thappad jo aap pe laga wo action hai aur uske hand pe jo pain hua, jo bhi force wo receive किया, दैट इज रिएक्शन. तो वो सेम बॉडी में कभी नहीं हो सकता है. एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट इन सेम बॉडी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन नॉट बी ऑन सेम बॉडी. ये एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे काम नहीं करते हैं. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है. देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक्शन है और रिएक्शन है. जैसे मुझे किसी ने इस मैं अपने आप को थप्पड़ मारा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. बिकॉज एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं. सिक्स थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ. थर्ड लॉ का इतना एप्लीकेशन है, अगर मैं आज स्टार्ट की 7-8 दिन तो लग जाएगा, बट दो बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन से वो मैं डिस्कस करूँगी. सो एक्चुअली आई एम वेरी बैड एट डायग्राम एंड ऑल, आई एम वेरी बैड एट पेंटिंग, बट स्टिल आई ट्राइड. यू कैन सी दिस इज अ बोट एंड दिस इज अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ द बोट. ये होता है कभी कभी जब आप बोटिंग करते हो, फिर आप बोट से जब जंप करते हो. देखो ये आप हो, आप में से कोई हो सकता है. चलो सो ये जब आप बोर्ड से जंप करते हो, ये आपका एक्शन है. आप बोर्ड से जंप करते हो, फ्लोर पे फोर्स देते हो, तो ये आपका एक्शन है. और आप देखे होंगे जब भी आप बोर्ड से जंप करते हो शोर के तरफ, आपका जो बोर्ड है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है. दिस हैपेंस ड्यू टू रिएक्शन. ये सब ने नोटिस किया होगा, ये वेरी कॉमन है. तो आज जब भी आप बोटिंग करके बोर्ड से उतरते हो ना, ये थोड़ा सा नोटिस करना कि जब भी आप बोर्ड से जंप करते हो, दिस इज द एक्शन, एंड उसके बाद बोर्ड थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन. सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल. मैं ऑलरेडी तुमको बता चुकी हूँ आई एम वेरी बैड एट पेंटिंग. सो नाउ यू कैन से दिस इज अ रॉकेट. जब भी रॉकेट को मूव करना होता है ऊपर की तरफ, एग्जैक्टली यहाँ पे जो गैसेस, जो भी सारा फ्यूल उसका होता है ना, ये बर्न करता है, उसको हम एग्जॉस्ट बोलते हैं. तो ये रॉकेट का एग्जॉस्ट क्या करता है, वो नीचे की तरफ मूव करता है. रॉकेट के जो एग्जॉस्ट है वो नीचे की तरफ मूव करता है, और वो हमारे टर्म में वो क्या है, वो एक्शन है. मतलब ये जो एग्जॉस्ट है, आग, धुआं, सारा कुछ जो है, दैट मूव्स डाउनवर्ड. सो दिस इज नथिंग बट द एक्शन. और ये एक्शन है, और उसी के रिएक्शन में ये जो रॉकेट है ये ऊपर चला जाता है. ठीक है, तो जब भी रॉकेट को जाना होता है, ये एग्जॉस्ट क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, जो कि हमारे टर्म में क्या है, एक्शन है. और उसी के रिएक्शन से जो रॉकेट है वो ऊपर चला जाता है. तो ये भी एक थर्ड लॉ का एप्लीकेशन. सो मूविंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, ये पता नहीं ये आप ही हो, आप ही में से कोई हो, ये आप स्विम कर रहे हो. जब भी आप स्विम करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आप अपने हैंड्स और लेग को यूज़ करके ना हमेशा क्या करते हो, पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हो, लाइक दिस लाइक दिस. सो ये जो आप पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हो ना, ये कुछ नहीं, ये एक्शन है, ये आप एक्शन करते हो. इसी के रिएक्शन में जो फोर्स मिलता है, उसे रिएक्शनल फोर्स के लिए आप आगे की तरफ मूव करते हो. फिर से बताती हूँ, जब भी आपको स्विम करना होता ना, आप ऐसे वाटर पे फोर्स अप्लाई करते हो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द एक्शन. और उसी के रिएक्शन में
आपका जो बॉडी है वो आगे की तरफ चला जाता है एंड दिस इज रिएक्शन. टू द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज रिकॉइल ऑफ गन. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकॉइल ऑफ गन. जब भी ये गन हम शूट करते हैं ना, ये जो बुलेट होता है ये तो आगे की तरफ चला जाता है. दैट इज एक्शन. ये हमने शूट किया और बुलेट ने आगे की तरफ चला गया. दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्शन. बट बुलेट जो आगे की तरफ चला गया ये एक्शन हो गया, तो इसका भी एक रिएक्शन होगा. और इसी के रिएक्शन के लिए जो गन है ना, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन. मतलब ये जैसे मान लो गन है और मैंने ये शूट किया, ये जो बुलेट है ये आगे की तरफ चला गया, ये एक्शन है. और जो गन है ये पीछे की तरफ आ जाता है, जो कि एक रिएक्शन है, और इसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एंड होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूटन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वी कंप्लीटेड. थैंक यू.